जिला चिकित्सालय बलिया में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन न मिलने से एक व्यक्ति की मौत के बाद जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और वार्ड में तोड़फोड़ भी कर दी। हंगामा करने वाले अस्पताल से सीएमएस कक्ष में पहुंचे, जहां पर सीएमएस के साथ भी काफी देर तक कहासुनी हुई। वहीं हंगामे में एक स्टाफ नर्स भी जख्मी हुई। जिला चिकित्सालय में क्या मामला? यहाँ पर कुछ लोग सिलेंडर के लिए आए हुए थे जी, और 32 सिलेंडर भर के आया था और 13 सिलेंडर बटा। उसके बाद से लोग छीना झपटी गाली गलौज मारपीट करने लगे जी। तो मारपीट करने के बाद से स्टोर वाले भयभीत होकर जो है स्टोर को बंद कर दिए जी। बंद करने के बाद चले गए तो उसमें से कुछ लोग जो है 10-12 आदमी आके यहाँ पे ऑफिस में कुर्सी तोड़ फाड़ किए, हमारी कुर्सी को भी तोड़ दिए थे, टेढ़ा कर दिए थे जी। तो गाली गलौज देते हुए चले गए। कोविड संक्रमण के भयावह दौर में देश भर से डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही है। अयोध्या में एक व्यक्ति की मौत के बाद रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने न आने पर बेटियों ने अपने पिता को कंधा दिया और अंतिम संस्कार भी किया। जिले में अयोध्या के सहादगंज के रहने वाले चंद्रभूषण की सामान्य मौत हो गई थी, लेकिन कोरोना के डर के चलते कोई भी नहीं पहुंचा, तो उनकी 4 बेटियों ने ही अपने पिता को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। यहां पर प्रतिदिन 100 संख्या से ऊपर लाश प्रतिदिन जलाए जाते हैं, जो कि आज एक दो बॉडी ऐसा देखा गया कि लड़की खुद अपने कंधों से लेकर आ रहे थे और नगर निगम अयोध्या की गाड़ी से माननीय महापौर जी के द्वारा उनके घर लाश वाली गाड़ी मंगवा करके शमशान घाट पर लाया गया। फिर जो लड़की ला रही थी उनका मदद करा करके कंधा में स्वयं दे करके उनको सरजू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया है। अयोध्या में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन 4 प्राइवेट अस्पतालों में ICU वार्ड में कोविड मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। ये प्राइवेट अस्पताल मरीजों से प्रतिदिन ICU बेड का 8,000 रुपए वसूलेंगे। राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज पर कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों से भी मदद मांगी जा रही है। आनंद हॉस्पिटल और निर्मला हॉस्पिटल से उनसे बात हुई। निर्मला हॉस्पिटल के पिता के लिए ऊपर जो पॉजिटिव आया है उनको लेकर जाने की बात है। उन्होंने कहा कि एक दो दिन में थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाते हैं, तब तक दोनों भी जब कंसेंट देंगे तो ये 4 हॉस्पिटल हमारे शुरू हो जाएंगे। अभी ये दोनों शुरू हो तो कितने बेड होंगे इन दोनों में? अब तक इन दोनों को मिला के हमारा अंदाज है कि 50 से 60 बेड। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब हम व्यवस्था बना रहे हैं और थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इस समय सामान और दवाइयों की कमी चल रही है। ऑर्डर देने पर टाइम तो मिल नहीं रहा है, आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की भी दिक्कत चल ही रही है, तो हम लोगों के यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए DM साहब ने अश्योर किया है कि आप और तैयारी बना लीजिए, ऑक्सीजन हम देंगे। तो हम सामानों का ऑर्डर दे चुके हैं और सामान आ रहे हैं, तो आशा है कि हम एक दो दिन बाद, मतलब हो सकता है परसों से हम चालू कर रहे हैं।